हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्किन केयर। मैं हूँ दरक्षा। आज मैं अरोमा टेरेस वाटर मेलन फेशियल किट का रिव्यू शेयर करूँगी। अरोमा टेरेस वाटर मेलन फेशियल किट में वाटर मेलन फेशियल किट में पहली बार यूज की। इससे पहले मैं ऐसा फेशियल किट यूज नहीं की थी। इसका MRP है 120 रुपये का। ये है वन टाइम किट है। ये छोटा सा किट, मिनी किट है, बहुत ही अच्छा है, देखने में भी क्यूट लगता है, पैकिंग भी बहुत अच्छा सा दिखता है इसका। मैं इसको यूज कर ली हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैं इसलिए इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है ये। 5-स्टेप फेशियल है। पैराविन फ्री, सल्फेट फ्री, हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है ये। यहाँ पे आपको पूरा दिया रहता है स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे यूज करने से पहले, कितना कितना टाइम आपको करना है वो भी यहाँ पे लिखा रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है इसीलिए, क्योंकि आसानी से आप इसको कर सकते हैं अपना घर पे ही। कहीं मैं इसको फेशियल मुझे अच्छे से आता है, मैं कर लेती हूँ। ये देखिए इसका किट, 5 स्टेप है। मैं पूरा यूज कर ली बस थोड़ी। ये देखिए मैं इसको यूज कर ली हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा यूज करने के बाद। इसको बात करूँ इसकी फ्रेग्रेंस की, तो इतना ऑसम लगता है, बिल्कुल वाटर मेलन है। इतना अच्छा लगेगा ना इसको यूज करने के बाद, बहुत ही रिफ्रेश फील होगा आपको। मैं इसका ये दिखाती हूँ कैसा ये दिखता है। फर्स्ट स्टेप वॉश रहता है, इस स्टेप से ये दिखेगा। वन टाइम किट है, आपको एक बार में ही पूरा फेस नेक के लिए आराम से हो जाते हैं। 5 मिनट के लिए आप इस वॉश से मसाज करेंगे स्किन पे। इसको 5 मिनट के लिए आप स्किन पे मसाज करेंगे, हल्के हल्के हाथों से रफ कीजिएगा। स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अगर आपकी स्किन ड्राई भी है तो बहुत अच्छी हो जाएगी इसके बाद, बहुत ही सॉफ्ट कर देता है स्किन को। इस तरह से करने के बाद आप फिर डायरेक्ट धो भी सकते हैं। मैं इसको अभी स्पंज से भी निकालूंगी, स्पंज से भी निकल जाता है, आराम से निकल जाएगा। मैं इसमें जल्दी जल्दी दिखा दूंगी, आप थोड़ा टाइम का ख्याल रखिएगा, टाइम देखते हुए काम कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट आता है। ये हो गए हैं 5 मिनट हो चुका है। इसको अभी मैं पोंछ कर साफ करूंगी, इस तरीके से इसको पोंछ देंगे। देखिए निकल गया, स्पंज से भी अच्छे से निकल जाता है। देख कितना क्लीन दिख रहा है ना, गर्मी के लिए अच्छा है, गर्मी में कर सकते। ये दूसरा स्टेप में स्क्रब है, इसको भी ये देखिए स्क्रब है ये। इसको भी 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे, इससे भी जेल है ये। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स भी है तो ये फेशियल कर सकते हैं। मोटा दाना नहीं है इसमें, बिल्कुल ही जेल है। हल्का हल्का हाथ चलाएंगे स्क्रब में, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे। और ये थोड़ा सा ना, अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, कहीं कहीं पे हो जाता है ना, मेरा माउंट एरिया में हो गया था, तो मुझे ना थोड़ा सा ये जलन टाइप से लग रहा था, वहाँ पे का ड्राई हो गया था, फट जाता है ना उस टाइप से हो जाता है, तो लगता है ये। बाकी कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, थोड़ी देर के लिए लगा था, हल्का हल्का चुनचुनाहट टाइप से हुआ था, फिर उसके बाद ठीक हो गया था। इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो कहीं पे लग सकता है, और कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। इस तरीके से इसको मसाज कर लेंगे 5 मिनट के लिए, ऐसे ऐसे मसाज करेंगे, फिर इसको भी धो कर भी हटा सकते हैं, ये दाना हट जाएगा धो देंगे तो अच्छा से। इसको भी स्पंज से पोंछ कर हम निकाल देंगे ऐसे। देखिए अच्छे से क्लीन हो जाता है 2 स्टेप के बाद, देखिए कितना क्लीन दिख रहा है। 3 स्टेप में जेल है, जेल को मसाज करेंगे लेकर इसको। ये देखिए इस तरीके से दिखेगा जेल आपको, बहुत ही लाइट सा है, बहुत ही अच्छा खुशबू निकलता है इसके में से भी। खरबूजा का लगता है इसके में से, और वाटरमेलन का लगता है ना, कूलिंग है ना ये।
इसको इस तरीके से मसाज करेंगे 5 मिनट के लिए। इसको भी मसाज करना है, मसाज करके अगर आप स्टीम लेना चाहते हैं तो स्टीम भी ले सकते हैं, स्क्रब के बाद स्टीम लीजिएगा। इस तरीके से मसाज करेंगे इसको कि एकदम अब्सॉर्ब हो जाता है जेल स्किन में। इसको ना अब्सॉर्ब होने के बाद आप 5 मिनट के लिए स्किन पे छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको स्पंज से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद क्रीम से मसाज करेंगे और पानी का भी ख्याल रखेंगे। पानी बार बार गंदा पानी यूज नहीं करना है, पानी भी चेंज करेंगे बीच में। क्रीम है 4 स्टेप इसका क्रीम है, इसको ही मसाज करना है स्किन पर। इस तरीके से दिखेगा क्रीम, ऐसा ही दिखता है क्रीम। इसको भी मसाज करेंगे 15 मिनट के लिए। आप क्रीम से मसाज कीजिएगा स्किन पे। इसके लिए आप मसाजर टूल भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी का हेल्प ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर अच्छे से मसाज होता है तो बहुत अच्छा ग्लो आता है और खुद से नहीं बनता है ना जल्दी में, हाथ में दर्द भी हो जाता है। स्टेप पूरा फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा ग्लो देगा स्किन पर। मेरे पास ये मसाजर टूल है, आप ऐसा टूल भी यूज कर सकते हैं, जेड रोलर इसका नाम है। मैं इसको एक और फेशियल में दिखाई थी, इससे भी आप स्किन पे मसाज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से स्किन पे मसाज हो जाता है इससे। 15 मिनट के लिए आपको मसाज करना है। देखिए मसाज करने के बाद स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आ गया। अगर आप मसाज में किसी और का हेल्प लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाएगा स्किन पे। अब इसके बाद पैक यूज करेंगे। पैक आप भी ये देखिए, इसका 5 स्टेप हो गया। ये फेस पैक है, इसको आप 15 से 20 मिनट तक आप लगा कर रख सकते हैं। इस तरीके का ही दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा ये। अब इसको लगा कर छोड़ देना है इस तरीके से। बहुत ही सॉफ्ट है इस तरीके का ये दिखेगा। ये पैक लगाने के बाद बहुत ही सॉफ्ट पैक है ये, बहुत ही ड्राई नहीं करता है सूखने के बाद भी। इसके फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो बहुत ही ऑसम है। इसमें से वाटरमेलन खरबूजा ऐसा खुशबू इसमें से मिलेगा आपको। बहुत ही रिफ्रेश फील होता है, रिफ्रेशिंग फील होगा आपको, इतना अच्छा लगेगा ना इसको यूज़ करने के बाद। मुझे तो पर्सनली मुझे पसंद आया है फेशियल किट, बहुत ही अच्छा है। मैं इसलिए एक बार ट्राई करने बोलूँगी, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, गर्मी के लिए अच्छा प्रोडक्ट है ये। देखिए 15 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको पोंछ कर दिखाती हूँ। देखिए धोने के बाद स्किन बहुत क्लीन दिखने लगता है आपका। इसको धोने के बाद आपको इसमें कोई मॉइस्चराइजर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप अपने पास से ही लगा लीजिएगा। जो भी आपको मॉइस्चराइजर पसंद है आप लगा सकते हैं। फेशियल ज़्यादा अच्छा रहता है नाइट टाइम ही कीजिए, शाम के वक्त ही कर सकते हैं आप फेशियल। और फेशियल करने के बाद आपको 24 घंटे तक कुछ भी यूज नहीं करना है। आप सादा पानी से ही फेस को धोएंगे, बीच में आप फेस वाश यूज नहीं करेंगे। 24 घंटे बाद ही फेस वाश यूज कीजिएगा, क्रीम यूज कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको दिन में टाइम में आप सनस्क्रीन यूज करेंगे, मैं इसको नायका से ली थी, मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। अभी तो वो भी बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, जब मार्केट ओपन होगा तब लीजिएगा, मैं इसका लिंक डाल दूंगी। फ्रेंड्स यही है मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।